जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं सारी चीजें इनकी प्रॉपर्टी और इनकी डिफिनेशंस को फिर से आपसे एक नए वीडियो में आपसे चर्चा करेंगे, तो उनकी ध्यान से सुनिएगा। मैं सबको एक तरफ से डिफाइन करते हुए चल रहा हूँ। बात करूंगा सबसे पहले काइट की। मैंने एक बार रफली फिगर में आपको समझा दिया इस वीडियो में, अब आप इसको समझिएगा काइट क्या होते हैं। काइट अ क्वाड्रिलेटरल इन विच बोथ पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स इक्वल। अ क्वाड्रिलेटरल लिख लीजिएगा डेफिनेशन, अ क्वाड्रिलेटरल इन विच बोथ पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स इक्वल। बोथ पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड इक्वल, ठीक है, पहली कंडीशन हो गई। दूसरी कंडीशन क्या हुई बेटा कि डायगनल इक्वल नहीं होते हैं। क्यों? देखो ये एक डायगनल बड़ा होता है और एक डायगनल छोटा होता है। लेकिन एक चीज और होता है कि लॉन्गेस्ट डायगनल या लार्जर डायगनल इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ स्मॉलर डायगनल का क्या होता है, डायगनल का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है, याद रखिएगा। ये जैसे एसी परपेंडिकुलर किस पर होता है, बीडी पे, और ये जो होता है ये बीओ और ओडी आपस में इक्वल होता है और इनके बीच में 90 डिग्री का एंगल बनता है, याद रखिएगा। बड़ा वाला जो डायगनल होगा वो छोटे वाले डायगनल को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करेगा, लेकिन छोटा वाला बड़े वाले को कभी भी परपेंडिकुलर बाइसेक्ट नहीं करेगा। समझ में आया, इसकी सारी प्रॉपर्टी को भी हमने बता दिया। अब बात करते हैं हम ट्रेपेजियम की भी। तो यहां से देखिए ट्रेपेजियम की बारी बात करेंगे, तो ट्रेपेजियम में कंडीशन क्या होती है बेटा कि अपेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल, अ क्वाड्रिलेटरल इन विच वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल, अ क्वाड्रिलेटरल इन विच वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल होती है, उसे हम ट्रेपेजियम का नाम देते हैं, यानी कि ए बी पैरेलल सी डी इस फिगर में है। अब फिगर किसी भी तरीके का होगा तो आप समझ लीजिएगा। समझ में आया। अब इसके बाद आता है एक आइसोसेलस ट्रेपेजियम। क्या आता है? आइसोसेलस ट्रेपेजियम। इसकी बात करें हम बेटा, तो ऐसा ट्रेपेजियम जिसमें क्या हो, ऐसा ट्रेपेजियम जिसमें नॉन पैरेलल साइड्स क्या हो, इक्वल हो। ये दोनों पैरेलल तो है ही है, लेकिन ये दोनों आपस में, ये और ये दोनों आपस में इक्वल हो जाए, उसे हम आइसोसेलस ट्रेपेजियम के नाम से जानते हैं। तो अ ट्रेपेजियम, इसकी डिफिनीशन अगर लिखना होगा तो लिखिएगा अ ट्रेपेजियम इन विच नॉन पैरेलल साइड्स आर इक्वल कॉल्ड आइसोसेलस ट्रेपेजियम। इसको हम आइसोसेलस ट्रेपेजियम के नाम से जानते हैं, याद रखिएगा। एक चीज और बता दूं बेटा कि इसमें जो बेस एंगल होते हैं ये आपस में इक्वल होते हैं, यानी एंगल ए इक्वल टू एंगल बी और एंगल सी इक्वल टू एंगल डी। आइसोसेलस ट्रेपेजियम में ऐसा होता है, क्लियर? आइसोसेलस ट्रेपेजियम में ऐसा होता है, बस इतना सा बात समझने की जरूरत है। वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल होती हैं। अब बात करें, दो पैरेलल लाइन है, इनके बीच में जो फिक्स डिस्टेंस होगी तो हो सकता है डायगनल्स भी आपस में इक्वल हो जाए, लेकिन सिंपल सी बात ये जानिएगा कि ये एंगल और ये एंगल, ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल होते हैं, ये आइसोसेलस ट्रेपेजियम में, और ये दोनों साइड आपस में इक्वल होती हैं। यानी कि वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल तो होंगी तो ट्रेपेजियम,
और जब वन पेयर आप अपोजिट साइड पैरेलल है तो ट्रेपेजियम है, लेकिन ऐसा ट्रेपेजियम जिसमें जो नॉन पैरेलल साइड्स हैं वो क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, तो उसे हम आइसोसेलस ट्रेपेजियम की बात करेंगे। अब बात करते हैं हम बेटा जो स्पेशल टाइप ऑफ हमारा क्वाड्रिलेटरल था उसकी चर्चा करने वाले हैं। इसको नोट कर लीजिएगा ईमानदारी से। अगला बात करेंगे हम किसकी, पैरेललोग्राम। ध्यान से इसको समझिएगा, मैं एक एक चीजें आपको बताते हुए जा रहा हूं। पैरेललोग्राम, अगर हम पैरेललोग्राम की बात करें बेटा तो इसकी डिफिनीशन लिखिएगा, अ क्वाड्रिलेटरल इन विच बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल, दोनों पेयर अपोजिट साइड पैरेलल होती हैं, उसे हम पैरेललोग्राम कहते हैं। ए बी सी डी है, यानी कि इसमें होगा ए बी पैरेलल सी डी, पहला पॉइंट लिख रहा हूं, एंड बी सी पैरेलल ए डी, अपोजिट साइड बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल होगी, उसे हम पैरेललोग्राम कहेंगे। एक चीज और जान लीजिए इसमें कि अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, क्या होते हैं, अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, इक्वल होते हैं, यानी कि एंगल ए इक्वल टू एंगल सी होता है और एंगल बी इक्वल टू एंगल डी होता है, ठीक है ना। अगर हम प्रॉपर्टी की ही बात कर रहे हैं तो बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड भी इक्वल होती हैं, क्या होती हैं, बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इक्वल भी होती, इक्वल होती है, यानी कि ए बी इक्वल टू सी डी होगा और बी सी इक्वल टू डी ए या ए डी भी होगा, ये ऐसी कंडीशंस भी हो सकती हैं। और क्या होती है बेटा, तीसरा चौथा बात कर दें हम तो एडजेसेंट एंगल क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं। सप्लीमेंट्री का मतलब जानते हैं, दोनों एंगल का सम 90 डिग्री होता है, यानी कि एंगल डी प्लस एंगल सी इक्वल टू सॉरी 180 डिग्री होता है, इक्वल होगा, एंगल सी प्लस एंगल बी इक्वल टू 180 डिग्री होगा, एंगल बी प्लस एंगल ए इक्वल टू 180 डिग्री होगा, एंगल ए प्लस एंगल डी इक्वल टू भी 180 डिग्री होगा, बोथ पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल सप्लीमेंट्री होती हैं, सारे एडजेसेंट एंगल सप्लीमेंट्री होती है। अगर पांचवी बात करें तो यहां लिखेंगे डायगनल्स इक्वल नहीं होते हैं, बट बाइसेक्ट ईच अदर, लेकिन क्या करते हैं, बाइसेक्ट ईच अदर होते हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट भी करते हैं, यानी कि ये बी डी और ये ए सी आपस में इक्वल तो नहीं होते, लेकिन ये एओ इक्वल टू ओ सी होता है, क्या होता है, एओ इक्वल टू ओ सी होता है, यानी ओ मिड पॉइंट होता है, और डीओ इक्वल टू बीओ होता है, क्या होता है, डीओ इक्वल टू बीओ होता है, ऐसा सब कुछ होता है, डीओ इक्वल टू बीओ होता है, तो ये कहलाता है हमारा पैरेललोग्राम, समझ में आया ना। अब अगर हम बात करें इसी तरीके से रेक्टेंगल की, अगर हम रेक्टेंगल की बात करें प्रॉपर्टी के साथ साथ बात करते चल रहे हैं। देखो बेटा, मैंने कहा पैरेललोग्राम क्या होता है, अ क्वाड्रिलेटरल इन विच बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल, पैरेललोग्राम। अगर हम प्रॉपर्टी की बात करें तो अपोजिट एंगल्स इक्वल, बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इक्वल है ना, एडजेसेंट एंगल सप्लीमेंट्री, डायगनल्स आर नॉट इक्वल बट बाइसेक्ट ईच अदर। हमने बताया था कि सारे पैरेललोग्राम, ऑल पैरेललोग्राम्स आर ट्रेपेजियम, बट ऑल ट्रेपेजियम्स आर नॉट पैरेललोग्राम। अब बात करते हैं हम बेटा रेक्टेंगल की, इसको नोट कर लिए होंगे, समझ गए होंगे, बात करते हैं हम किसकी, रेक्टेंगल की। तो रेक्टेंगल की चर्चा अगर करेंगे तो रेक्टेंगल की कंडीशन क्या आ जाती है, याद रखिएगा, समझते जाइएगा तभी अच्छा लगेगा। अब रेक्टेंगल की अगर हम बात करें तो डिफिनीशन अगर इसकी हम देखें तो ये इसका फिगर होता है, इसमें बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड इक्वल होती हैं, वो तो पैरेललोग्राम में भी होती हैं, वो क्या है,
देखो बेटा उसको प्रूव भी किया जा सकता है क्योंकि वो क्या है, अब यहां लिखिएगा अ पैरेललोग्राम इन विच ए है बी है सी है और ये डी है, अ पैरेललोग्राम इन विच ऑल एंगल्स 90 डिग्री, सारे एंगल्स 90 डिग्री के हों तो हम कह देंगे कि वो क्या है, रेक्टेंगल है। क्यों रेक्टेंगल है, और याद रखिएगा अगर ये पैरेललोग्राम कह दिया तो एडी पैरेलल बीसी भी होगा और सीडी पैरेलल एबी भी होगा। रेक्टेंगल में बेटा एडी और बीसी आपस में इक्वल भी हो जाएंगे, पैरेललोग्राम में भी ये कंडीशन थी, सीडी और एबी आपस में ये सारी सिमिलरिटी है, यही एक चीज है डिफरेंस, सारे एंगल 90 डिग्री होते हैं। नहीं तो अब ये जान लीजिए रेक्टेंगल पैरेललोग्राम है, यहां लिख लीजिएगा नोट में लिख लीजिएगा ऑल रेक्टेंगल्स आर पैरेललोग्राम बट ऑल पैरेललोग्राम्स आर नॉट रेक्टेंगल। क्यों, अगर पैरेललोग्राम का एक एंगल 90 डिग्री हो जाए तो वो रेक्टेंगल हो जाएगा, क्लियर, इसीलिए वो रेक्टेंगल नहीं होता क्योंकि उसके सारे एंगल 90 डिग्री नहीं होते। अगर सारे एंगल 90 डिग्री हैं, रेक्टेंगल है तो वो पैरेललोग्राम है, ऑल रेक्टेंगल्स आर पैरेललोग्राम बट ऑल पैरेललोग्राम्स आर नॉट रेक्टेंगल। अगर हम बात करें इसकी प्रॉपर्टी की तो इसी समय आप देखते चलिए प्रॉपर्टी की भी बात करते हैं, क्या हो जाएंगे बेटा, डायगनल्स आर इक्वल, पहला हम बता दे रहे हैं डायगनल्स क्या होते हैं, डायगनल्स आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर। अब डायगनल क्या होते हैं ये तो आप जानते हैं, बताया गया है कि अपोजिट वर्टेक्स को जोड़ने वाली लाइंस जो होती हैं वो डायगनल कहलाती हैं। तो डायगनल्स आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर। अब दूसरा ऑल एंगल्स 90 डिग्री, तीसरा क्या होगा, अपोजिट साइड्स इक्वल। अब देखो डिफरेंस क्या आया था पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल में, इसीलिए क्यों पैरेललोग्राम रेक्टेंगल नहीं होता, इसमें दोनों डायगनल इक्वल होते हैं लेकिन पैरेललोग्राम में दोनों डायगनल इक्वल नहीं होते। पैरेललोग्राम ये भी है, अंतर सिर्फ इतना है इसमें सारे एंगल 90 डिग्री होते हैं और डायगनल इक्वल होते हैं, बस इतना ही अंतर है ना। अगर डिफरेंस की बात किया जाए रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम में तो रेक्टेंगल में सारी साइड इक्वल होती है, ये तो सिमिलरिटी है, और रेक्टेंगल में और पैरेललोग्राम में भी सारी साइड इक्वल होती है। इसी तरीके से अपोजिट साइड इक्वल होती है अपोजिट साइड इक्वल होती है रेक्टेंगल में, पैरेललोग्राम में भी अपोजिट साइड इक्वल होती है ना, ये तो सही है, और जो ये सिमिलरिटी है, लेकिन डिफरेंस क्या है, इसमें सारे एंगल 90 होते हैं, पैरेललोग्राम में सारे एंगल 90 डिग्री नहीं होते हैं, इसमें डायगनल इक्वल होते हैं उसमें डायगनल इक्वल नहीं होते हैं। तो ये प्रॉपर्टी है और ये इसका रेक्टेंगल के बारे में चर्चा हुई। अब बात करते हैं हम रेक्टेंगल के साथ साथ स्क्वायर या रॉम्बस की बात कर लेते हैं। अगर हम बात करें रॉम्बस की तो ध्यान से समझना, रॉम्बस में क्या होता है बेटा, दोनों को ध्यान से समझते जाइएगा, रॉम्बस में क्या होता है, बोथ अ पैरेललोग्राम इन विच ऑल साइड्स इक्वल, अ पैरेललोग्राम इन विच ऑल साइड्स इक्वल कॉल्ड रॉम्बस, ये क्या है, यही रॉम्बस कहलाता है, और अपोजिट साइड पैरेलल होती है क्यों, तभी तो ये पैरेललोग्राम हुआ, तभी तो मैं इसको पैरेललोग्राम कह रहा हूं, है ना, तभी तो हम इसको पैरेललोग्राम कह रहे हैं, यहां समझ रहे हैं ना। अगर हम इसकी प्रॉपर्टी की बात करें तो ध्यान से देखना, अगर प्रॉपर्टी की बात किया जाए तो प्रॉपर्टी में बेटा
ऑल साइड्स, पहला देखो ऑल साइड्स इक्वल, दूसरा डायगनल्स आर नॉट इक्वल, डायगनल्स आर नॉट इक्वल, ये इक्वल नहीं होते हैं, ये डायगनल और ये डायगनल आपस में इक्वल नहीं होते हैं, बट बाइसेक्ट ईच अदर, बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री, इक्वल नहीं होते लेकिन डायगनल बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं, समझ लीजिएगा, यानी कि ये सब के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनता है। अगर यहां ओ है तो ये डीओ और ओ बी इक्वल होगा और ये एओ और ओसी आपस में इक्वल होगा, ठीक है ना। अ पैरेललोग्राम इन विच ऑल साइड्स इक्वल कॉल्ड रॉम्बस, प्रॉपर्टी क्या है, ऑल साइड्स इक्वल, डायगनल्स आर नॉट इक्वल और बट बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री, ठीक है ना, समझ में आ रहा है। और कोई चीज अगर इसमें रह गई हो तो ये बताइएगा, है ना, अपोजिट साइड पैरेलल होती है, ये मैंने आपको बता दिया है, डायगनल इक्वल नहीं होते हैं, ये भी मैंने बता दिया है। अब बात करते हैं स्क्वायर का, दोनों में कंपेयर भी कर लेंगे। अगर हम बात करें स्क्वायर की तो स्क्वायर बेटा अ रोम्बस इन विच ऑल एंगल्स 90 डिग्री, रोम्बस मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि रोम्बस में भी सारी साइड आपस में इक्वल होती है। तो इसकी डिफिनीशन अगर आप लिखेंगे तो लिखेंगे क्या, अ रोम्बस इन विच ऑल एंगल्स 90 डिग्री, बाकी तो सब चीजें है ही है, अब सारी साइड इक्वल होती हैं, है ना, इसी को हम कह देंगे क्या, अ रोम्बस इन विच ऑल एंगल्स 90 डिग्री कॉल्ड स्क्वायर। बहुत आसान सा डिफिनेशन आप जान लीजिएगा। अब एक चीज और नोट लिख लीजिएगा तो मैं बता देता हूं, आपको समझ में आ जाएगा, नोट में लिखिएगा ऑल स्क्वायर आर रोम्बस बट ऑल रोम्बस आर आर नॉट स्क्वायर, क्यों क्यों स्क्वायर नहीं होते ये आप जान लीजिए। अगर हम इसकी प्रॉपर्टी दिखा देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, प्रॉपर्टी देख लो इसकी, प्रॉपर्टी क्या होती है। अगर हम प्रॉपर्टी की बात करें तो पहला ऑल साइड्स इक्वल, बहुत अच्छी बात है, ऑल साइड्स उसमें भी इक्वल होती हैं, कंपेयर करते जाइएगा ऑल साइड इक्वल होती हैं। दूसरा अगर हम बात करें इसमें डायगनल्स आर इक्वल, डायगनल्स आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एंड 90 डिग्री ना, सारे डायगनल इक्वल होते हैं और एक दूसरे को 90 डिग्री पर बाइसेक्ट भी करते हैं, ये भी ये, लेकिन इसमें क्या था बेटा, यहां पर देखो ऑल साइड्स इक्वल दोनों सिमिलरिटी आ गई, इसमें डायगनल्स आर नॉट इक्वल, इसमें डायगनल्स इक्वल, इसमें दिया बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री, इसमें भी बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री दिया, तो ये तो सारी चीज सिमिलरिटी हुई। अब यही कंडीशन हुआ बेटा, एंड इसमें एक चीज और होती है कि ऑल एंगल्स 90 डिग्री होते हैं, ऑल एंगल्स 90 डिग्री होते हैं, इसमें ऑल एंगल्स 90 डिग्री नहीं होते हैं। हां एक रोम्बस, एक नोट में और लिख लीजिएगा, एक रोम्बस कब हो सकता है स्क्वायर, अ रोम्बस इज अ स्क्वायर, अ रोम्बस इज अ स्क्वायर इफ इट्स वन एंगल इज 90 डिग्री, अगर इसका एक एंगल 90 डिग्री हो जाए तो हम कह देंगे ये क्या है स्क्वायर।
रॉम्बस का अगर एक एंगल इसी तरीके से पैरेललोग्राम के साथ भी है बेटा, अगर पैरेललोग्राम का एक एंगल 90 डिग्री हो जाए तो हम कह देंगे वो क्या है, रेक्टेंगल है। अब उसमें सारे एंगल 90 डिग्री नहीं होते हैं, डायगोनल्स भी इक्वल नहीं होते, इसमें भी सारे एंगल 90 डिग्री नहीं होते, डायगोनल भी इक्वल नहीं होते, यही दोनों डिफरेंस है। इसमें डायगोनल्स इक्वल होते हैं, सारे एंगल 90 डिग्री होते हैं, इसमें डायगोनल इक्वल नहीं होते, सारे एंगल 90 डिग्री भी नहीं होते, इसीलिए ये रेक्टेंगल नहीं हो पाता। लेकिन रेक्टेंगल रॉम्बस हो सकता है, क्यों? क्योंकि अगर किसी भी रॉम्बस का एक एंगल 90 डिग्री हो जाए, सोचो बेटा एक एंगल 90 डिग्री पैरेललोग्राम है तो अपोजिट एंगल इक्वल होंगे, ये और ये 90 हो जाएंगे और इन दोनों का सम 90 होता है, ये 90, ये 90, ये 90, यानी सारे 90 हो जाएंगे, और सारे 90 हो जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। समझ में आ रहा होगा? तो ये सारी चीजें हैं और ये सारी प्रॉपर्टी हैं बेटा, इनको आप ध्यान से समझते जाइएगा। किसी भी क्वाड्रिलेटरल के साथ चारों एंगल का सम कितना होता है, 360 डिग्री होता है। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल हमेशा होता है 360 डिग्री, इतना आप जान लीजिएगा। कोई भी क्वाड्रिलेटरल हो, चाहे वो रेक्टेंगल हो, चाहे वो स्क्वायर हो, चाहे वो पैरेललोग्राम हो, चाहे वो ट्रेपेजियम हो, चाहे वो काइट हो, जो भी हो, सबके इंटीरियर एंगल का सम 360 डिग्री ही होता है। और किसी भी पैरेललोग्राम के इंटीरियर एंगल का सम अगर निकालना हो तो उसका भी एक फार्मूला होता है। इनको सबको नोट कर लीजिएगा बेटा, ये सारी प्रॉपर्टी और सारी चीजों के बारे में मैंने चर्चा किया, मैंने बताया आपको कि भाई क्या होते हैं ट्रेपेजियम, क्या होती है काइट, क्या होता है आइसोसेलस ट्रेपेजियम, क्या होती है उसकी प्रॉपर्टी, और क्या होता है आपका क्या पैरेललोग्राम, और पैरेललोग्राम से ही पार्ट जो बने हमारे रेक्टेंगल, रॉम्बस और स्क्वायर, इन सब की चर्चा हमने किया। इनको ईमानदारी से आप समझने की कोशिश करोगे तो सब कुछ समझ में आएगा। थोड़ा सा हम ये बता दें कि सारे एंगल 360 डिग्री, इनके इंटीरियर एंगल का सम 360 ही क्यों होता है, इसकी भी चर्चा कर देते हैं, क्योंकि ये क्लास 9th और क्लास 8th दोनों के लिए इस तरीके का वीडियो बनता है। तो याद रखिएगा, मैंने आपको बताया था कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ एनी पॉलीगॉन, में भी ये आता है, मैंने बताया ना क्वाड्रिलेटरल पढ़ने से पहले पॉलीगॉन आपने पढ़ा होगा, क्या थ्री आर मोर देन थ्री साइडेड क्लोज फिगर जो होते हैं वो सब पॉलीगॉन होते हैं। और अगर जितनी भी साइड का पॉलीगॉन हो, अगर उसका मुझे सम ऑफ इंटीरियर एंगल निकालना है तो लगा देना फार्मूला एन माइनस टू इंटू 180। सारे इंटीरियर एंगल, चाहे वो पेंटागन हो, चाहे हेक्सागन, चाहे ऑक्टागन, नोनागन, हेप्टागन एंड सो ऑन, जो भी है वो सब के सब इंटीरियर एंगल का सम एन क्या होता है, नंबर ऑफ साइड होता है, नंबर ऑफ साइड। याद रखिएगा, इंटीरियर एंगल 360 होता है क्वाड्रिलेटरल में हमेशा, और ये फार्मूला है किसी भी क्वाड्रिलेटरल का, किसी भी पॉलीगॉन का, पॉलीगॉन का मतलब इन द सेंस चाहे वो ट्रायंगल हो, ट्रायंगल सबसे छोटा पॉलीगॉन होता है, चाहे वो ट्रायंगल हो, चाहे वो क्वाड्रिलेटरल हो, चाहे वो पेंटागन हो, चाहे हेक्सागन, चाहे हेप्टागन, चाहे ऑक्टागन, चाहे नोनागन, चाहे डेकागन, चाहे एंटागन, जो भी हो, वो सब के सब क्या है, पॉलीगॉन है। और वो पॉलीगॉन में नंबर ऑफ साइड्स को ही काउंट किया जाता है। नंबर ऑफ साइड्स आपको पता हो तो आप सीधे से उसके इंटीरियर एंगल का सम निकाल लेंगे। और याद रखिएगा, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ एनी पॉलीगॉन, हमेशा 360 डिग्री ही होता है, चाहे वो पेंटागन हो, चाहे हेक्सागन, चाहे ऑक्टागन, चाहे नोनागन, चाहे डेकागन, चाहे डोडेकागन, चाहे आपका ट्रायंगल हो, सबके एक्सटीरियर एंगल का सम 360 होता है। ये क्लास 8th वालों के लिए तो मैंने प्रूव करा दिया था, क्लास जो 9th में होंगे उनको ये सब प्रूव है, उनको ये सब ऑलरेडी पता है, उनको ये सब जानने की जरूरत नहीं है। इस तरीके के बहुत सारे फार्मूले जब
एट वालों के लिए मैंने बना के रखे हैं। अगर किसी नाइन्थ के बच्चे को थोड़ा सा भी कंफ्यूजन हो तो क्लास एट का क्वाड्रिलेटरल उठा के वो देख लेगा, उसे सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा, और अच्छा ही नहीं बहुत ही अच्छा लगेगा। अच्छा लगेगा तो बेटा जोर से जाना, चुपके से लाइक दबाना और शेयर कर देना वीडियो कि आपके फ्रेंड भी उसको देख सके। और नहीं कर, अगर कोई सब्सक्राइब किया है वीडियो जब बहुत अच्छा लगे हमारा पढ़ाने के बाद समझ में आए तो जरूर उसको सब्सक्राइब कर लेना। आगे आने वाले समय में आपको इसी तरीके के वीडियोस मिलते रहेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। वीडियो को ध्यान से देखिएगा, और आप कुछ नहीं कह सकते बेटा, आप घर पे बैठे पढ़ाई करें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहेंगे। गॉड ब्लेस यू।